फरीदाबाद नगर निगम में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कल जहां नगर निगम में बेतरतीब हुई पार्किंग को लेकर अधिकारियों को लताड़ा, तो वहीं मीडिया द्वारा दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा द्वारा किए गए सवालों को लेकर कमल गुप्ता ने दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। वहीं कमल गुप्ता ने हरियाणा में पार्किंग व्यवस्था सुधारने को लेकर चलाए जा रहे नारे मार्किंग में पार्किंग को लेकर मीडिया से लोगों को जागरूक करने को लेकर भी अपील की। तस्वीरें फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय की हैं, जहां पहुंचे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने सबसे पहले नगर निगम में की गई पार्किंग व्यवस्था को चेक किया और नगर निगम में ही बेतरतीब तरीके से की गई पार्किंग को लेकर नगर निगम कमिश्नर के सामने ही अधिकारियों को फटकार लगाई। बता दें कि मंत्री कमल गुप्ता ने पूरे हरियाणा में पार्किंग का नारा दिया हुआ है, उसी नारे को सफल बनाने के लिए वो कल नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। वहीं कमल गुप्ता ने दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि छाज तो छाज, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। वहीं कमल गुप्ता ने कहा कि लड़ने में उनका दमदार नहीं कोई कैंडिडेट, उन्होंने उतारा नहीं दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा पर शायराना अंदाज में बोलते हुए कहा कि लड़ते हैं सह सवारे मैदान में, वो तो घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके तो कंट्रोल में कांग्रेस के विधायक भी नहीं, वो राज्यसभा के मेंबर भी नहीं जीत पाए। वहीं कांग्रेस विधायक द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उठाए गए सवाल पर बोलते हुए कमल गुप्ता ने कहा कि नीरज शर्मा द्वारा जितने भी सवाल किए गए हैं सभी एक एक करके मैंने जवाब दिया है। वहीं नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि सभी भ्रष्टाचारियों की लिस्ट तैयार कर ली गई है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हो रही परेशानी पर भी मंत्री कमल गुप्ता ने कहा अधिकांश मिली शिकायतों को निपटा लिया गया है, यदि फिर भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो वह उन्हें लिखित में शिकायत करके अपनी समस्या के समाधान के लिए बात कर सकता है, उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। अंत में मंत्री कमल गुप्ता ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि मार्किंग में पार्किंग के नारे को सफल बनाने के लिए मीडिया लोगों तक खबर पहुंचाए ताकि शहर में हर जगह मार्किंग में पार्किंग हो, क्योंकि सरकार हर काम को अकेले नहीं कर सकती। वहीं नगर निगम अधिकारियों को भी इस नारे को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण पर पहुंचे और अधिकारियों से भी चर्चा की है, क्या कुछ विशेष? देखिए, ये इसको प्योर औचक निरीक्षण तो मैं नहीं कहूंगा, फरीदाबाद मेरा घर है, मेरे भाई मेरी बहन यहाँ रहते हैं, हमारे पिताजी माताजी सब यहाँ शुरू से ही हैं, तो मैं घर पर आया था और मैंने अब शाम को गुड़गांव जाना है, वहाँ मीटिंग है जीएमडीए की, तो ये सेमी औचक निरीक्षण इसको आप मान सकते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के नगर निगम को या नगर पालिका को या नगर परिषद में जरूर एक दफ़ा वहाँ का चाल चलन, कैसी वहाँ की चाल है, कैसा काम है, उसका जायज़ा लेता हूँ। जब से मेरे पे ये जिम्मेवारी आई है, पहले पंचकुला, गुड़गांव, करनाल, ऐसे कई जगह मैं गया हूँ, सब जगह देखता हूँ, कुछ कमियाँ मिलती हैं उसको दूर करने का हम प्रयास करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।